अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर वन है हमारा बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। मेरे बहुत सारे मैसेज आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करे, डीएम करा, तो कहा कि सी लैंग्वेज के बारे में बता दिया, क्योंकि पाइथन तो हमारी चल रही है, पीएचपी भी चल रही है साथ साथ, सी लैंग्वेज में थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट जब आए हैं तो कुछ लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं हो, पहले से किसी और फील्ड में थे, अब वो कंप्यूटर साइंस में स्विच कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनको सी लैंग्वेज में थोड़ा मसला आ रहा होगा। तो उसके लिए एक ट्यूटोरियल है, तो उसमें हम लोग बेसिक्स सीखेंगे। आने वाली वीडियोस में सब चीज़ें सिखाई जाएगी सी लैंग्वेज, आपको पूरी कंप्लीट कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वो भी एक अच्छे तरीके से। तो सी इन्वेंटेड किसने करी थी पहले देख लेते हैं। सी इन्वेंटेड थे डेनाइस रिटिचाई ने, ये कब करी थी, 1970 में करी थी। तो इतना इसके बारे में मालूम होना चाहिए ताकि आपसे कभी एमसीक्यूज पूछा जाए तो आपको मालूम हो। सी लैंग्वेज बहुत फास्टर है तमाम लैंग्वेज से, सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है तमाम लैंग्वेजों से, जैसे कि पाइथन हो गई, पाइथन इजी बहुत है मगर फास्ट नहीं है, सी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है मगर बहुत ज़्यादा फास्ट है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं हमारे, विंडोज़ के क्या नाम है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या मैक हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, तो जितने भी मैकबुक हो गए हमारी, तो जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादातर बनते हैं सी लैंग्वेज पर, ठीक है। सी लैंग्वेज तकरीबन बहुत क्या नाम है, आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आपको पता है ये सारे गेम्स जो होते हैं हमारे पास वो भी सी लैंग्वेज में बनते हैं, क्योंकि अगर आपको भी कोई गेम खेल रहे हो और गेम में एक सेकंड का भी थोड़ा पॉज हो जाए या थोड़ा सा हैंग हो जाए, लैग हो जाए गेम, तो आपका दिल नहीं करता वो गेम खेलने को, आपका दिल नहीं करता कि यार मैं इसको चलाऊं, ये बहुत टाइम वेस्ट कर रही है, बहुत स्लो चल रही है। तो जाहिर सी बात है इन सब से बचने के लिए सी लैंग्वेज बेस्ट है, सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है। तो ये था थोड़ा सा थ्योरी सी लैंग्वेज के हवाले से। अब सी लैंग्वेज जहाँ यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम लोग एक IDE। IDE क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, IDE, ठीक है। तो IDE, ओके माई मिस्टेक, IDE स्टैंड्स दिखा देता हूँ आपको क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकें। अब इस तरह के बहुत सारे होते हैं IDE, जैसे कि हमारे पास आ गया विजुअल स्टूडियो कोड, आ गया हमारे पास VS कोड होता है, और टर्बो सी हो गया, C++ हो गया, डेफ सी हो गया हमारे पास, और क्या नाम है हमारे पास सबलाइम हो गई, बहुत सारे IDE मौजूद हैं। तो लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे डेफ सी। डेफ सी क्यों यूज़ कर रहे हैं, वजह है कि वो सिर्फ सी लैंग्वेज और सी प्लस लैंग्वेज के लिए ही बनाया गया है। तो ज़्यादा सी बात जो जिस चीज़ के मकसद के लिए बनाया गया है वो ज़्यादा उसमें बेस्ट होगा, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो उसको डाउनलोड किस तरह करेंगे हम, मैं यहाँ पर आके लिखूँगा डेफ सी डाउनलोड फाइल हिपो, ठीक है, सर्च करूँगा तो मैं वहाँ पहली लिंक आएगी, मैं इस पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये आइकन सामने आ जाएगा। जैसे ही आइकन आया तो आप कंट्रोल प्लस एन दबाइएगा और ये न्यू फाइल हमारे पास ओपन हो गई। अब स्टार्ट होती है हमारी सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये हैशटैग जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है जो आपको, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड, ठीक है, या प्री प्रोसेसिंग, मैं और लिखता हूँ, या प्री प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ठीक है। बस इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखें अगर आपके MCQ में सवाल आ गया इसका मतलब क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, हैशटैग क्यों यूज़ करते हैं, हैशटैग किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड कराने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके मैं लिख रहा हूँ इंक्लूड, ठीक है, और लिख रहा हूँ stdio.h, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। तो मैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड क्या होता है कि stdio.h यानी कि ये लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड कर दो। अगर मैं ये ना लिखूँ, हैशटैग ना लगाऊँ, तो ये सिंपल सी फॉर्मेट में आ गया, तो ये इसको समझ नहीं आएगा और ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। तो मैं इसको हैशटैग लगाऊंगा तो बता देगा, यानी ये एक प्रीप्रोसेसर कमांड है, कमांड दे रहा हूँ कि इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, एक लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी का नाम क्या है, stdio.h, ठीक है। इसी तरह एक और लाइब्रेरी होती है हमारे पास, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, हैशटैग इंक्लूड कोनियो.h,
ठीक है, ये भी एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है हैशटैग इंक्लूड कॉन्यो। तो अभी हम बेसिक में एक दो चीज़ें सीखेंगे, इन दो के बारे में काम करेंगे, ये दो लाइब्रेरीज हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके काम कर देता हूँ, stdio.h स्टैंड बता देता हूँ, उसकी स्टैंड क्या है, इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब stdio.h क्यों यूज़ कर रहे हैं, सवाल पैदा ही होता है, या एक क्वेश्चन आ गया यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आपसे किसी ने पूछ लिया कि stdio.h क्यों यूज़ कर रहा हो भाई, तो हम बताएंगे कि वो std की फुल फॉर्म, stdio की फुल फॉर्म है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब हम इसकी इस लाइब्रेरी को यूज़ करके, सिर्फ हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करके इनपुट लेंगे और आउटपुट देंगे बस, और कोई एक्स्ट्रा काम हम कर नहीं सकते। अगर मुझे कोई एडवांस काम करना होगा, मैथ के फॉर्मूला कुछ एडवांस यूज़ करने होंगे, मैथ की कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ यूज़ करनी होगी, तो हम उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो ये सब बाद में सिखाएंगे, इसमें मसला वाली बात नहीं है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा। मैं कॉन्यो और डॉट और स्टूडियो डॉट एच यूज़ कर रहा हूँ, आप कॉन्यो को भी देख लेना, देखा कॉन्यो डॉट एच, कॉन्सोल इनपुट एंड आउटपुट। अब इससे क्या होगा, कॉन्सोल से, कॉन्सोल यानी अगर मैं इसको यूज़ ना करूँ तो मुझे आउटपुट शो होगा और गायब हो जाएगा फ़ौरन, मतलब आउटपुट मुझे इसने दिखाया और एकदम से यानी ब्लिंक होकर चले जाएगा। अगर मैं पढ़ लूँ 5 + 5 कितना 10 होता, 10 इसने शो करा और यू गायब हो जाएगा, चुटकी बजाते ही समझो। तो इसलिए कॉन्यो यूज़ करते हैं हम, कॉन्यो की एक लाइब्रेरी है, इससे क्या होता है वो हमसे पूछता है, जब तक आप क्लिक या जब तक आप कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे तो हम लोग जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वो हटेगा नहीं, तो इसलिए कॉन्यो का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि किस तरह के लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी सामान, अगर घर बन गया और घर के ना सब कुछ है वहाँ गेट नहीं है तो सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो इसी तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीख है इसके अंदर हमें गेट बनाना पड़ेगा इंट मैन के नाम से। ठीक है, इंट मैन बनाया और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, देखिए इंट मैन बनाया कर्ली ब्रेसेस वाला इंट मैन और पैरेंथेसिस लगा दिए, पैरेंथेसिस बोले या राउंड ब्रैकेट बोले इसको, और फिर कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर ये मेरा बन गया पूरा एक गेट। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा दें, क्लिक, हाँ ठीक है, ये मेरा पूरा बन गया गेट, यानी एक फंक्शन है इंट मैन का। ठीक है, अच्छा फंक्शन क्या होता है, पहली बात फंक्शन बहुत आसान से जबान में समझाता हूँ, किसी भी नाम है जैसे कि मेरा नाम समीर है, ठीक है, समीर के आगे मैं लगा दूँ पैरेंथेसिस, तो ये बन गया हमारा एक फंक्शन, ये बन गया फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जिसके भी आगे अगर आपका नाम, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ आईटी एजुकेशन और लगा दूँ ये पैरेंथेसिस, तो ये बन गया मेरे पास फंक्शन। तो फंक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ ये था कि फंक्शन होता है। अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्लू में क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये कहलाता है कमेंट। ये कमेंट कैसा होता है, डबल स्लैश लगाए मैंने और जो भी लिखूँगा दिस इज़ कम्प्लीट कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज़ कमेंट। तो ये क्या है, कमेंट, कमेंट से क्या होता है, जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा हमारा, तो कंपाइल होने के बाद तो जो कंपाइलर होगा वो इसको इग्नोर कर देगा, इस लाइन को मैं लिख देता हूँ इग्नोर दिस लाइन, वो इस लाइन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या यूज़ करा है, डबल स्लैश। ठीक है, तो डबल स्लैश यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है कि कमेंट बन जाता है, यानी ये इग्नोर करेगा, ये ह्यूमन रीडेबल होगा, मतलब इंसान इसको पढ़ लेगा कंप्यूटर नहीं पढ़ सकेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कमेंट, जब भी मैंने हर जगह इसके आगे लिख दिया था कि आपको बाद में समझ में आ सके कि इसको क्या बोलते हैं हम, और ये लाइब्रेरीज होती हैं, लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप के लिए मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, ये है हमारे पास डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स कितनी होती हैं, डेटा टाइप बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर तीन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली होती है हमारे पास, मैं कमेंट करता रहूँगा, अच्छा ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये जो मैंने करा है ये होता है सिंगल लाइन, एक लाइन का कमेंट। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स करना होगा तो मैं स्लैश स्टार स्टार स्लैश लगाऊंगा, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब अब मैं जहाँ भी लिखूंगा तो चलता रहेगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वन, पहला का होता है इंटीजर जिसको हम यूज़ करते हैं इंट की तरह। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डेटा टाइप कैरेक्टर, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं चार, और तीसरा हमारे पास होता है फ्लोटिंग जिसको हम यूज़ करते हैं फ्लोट। अब ये सारी डेटा टाइप्स होती क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले होती है इंट, इंट क्या होता है, इंटीजर यानी कोई भी नंबर
जो हम डेटा को देंगे, कोई भी नंबर हम किसी से इनपुट लेंगे या आउटपुट देंगे, तो इंटीजर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब इसको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं इंट। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक की कोई भी वैल्यूज, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट ए से लेकर बी तक, ए बी सी डी वॉट एवर एंड सो ऑन, जेड तक जितने भी कैरेक्टर हैं अल्फ़ाबेट, उनको कैरेक्टर बोलते हैं, यानी कि एक अल्फ़ाबेट आएगा। फ्लोट क्या होता है? यानी कि डेसिमल नंबर्स, ठीक है, 5.6, 3.9, 1.2 समथिंग, यानी पॉइंट आ गया तो फ्लोटिंग हो गया वो। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, आई होप ये क्लियर हो गया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, इंटीजर में क्या करते हैं? इंटीजर में हम लोग काम करेंगे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अब वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल को सीखने की ज़रूरत है। वेरिएबल होता है हमारे पास, जैसे आप लोग चीनी का डब्बा ले लें या आटे की बोरी। अब आटा जो किसी चीज़ में आ रहा है, चीनी है, चीनी को मैं डब्बे में डाल रहा हूँ एक, ठीक है। अब वो जिस चीनी जो हमारे पास चीनी जो है, अब चीनी को समझा, अब आपके पास नंबर है कि 58, यहाँ नंबर लिख देता हूँ मैं कोई सा भी, 58 के पास नंबर है। अब इसको मुझे किसी वेरिएबल में डालना है, मतलब समझे चीनी है और चीनी को डब्बे में डालना है। तो डब्बे को जो डालना है, डब्बा जो है हमारे पास वो कंटेनर है, कंटेनर को आप वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पर। तो मैं इजी कॉस्ट लिख के लिख दूंगा एक्स, ठीक है। यानी क्या हुआ, उसको सेव कर लेता हूँ पहले, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस लिख देता हूँ, डॉट सी प्रैक्टिस डॉट, ठीक है, ये फाइल सेव हो गई मेरे पास। अच्छा, मैंने क्या करा, इंटीजर एक मैंने बताया कि जो एक्स है ये इंटीजर है, ये एक्स क्या है? इंटीजर है, यानी एक नंबर है, यानी इसके अंदर एक्स के अंदर क्या आएगा? नंबर आएगा, नंबर आएगा, ठीक है भाई। तो मैंने इसको नंबर असाइन कर दिया और ये इंटीजर के अंदर चले गया। और ये जो होता है सेमी कॉलन, ये होता है टर्मिनेटर। यहाँ लिख देता हूँ सेमी कॉलन इज इक्वल टू, क्या हो गया इसको, इज इक्वल टू टर्मिनेटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। इसी तरह मैं एक और बना रहा हूँ चार नाम से, यानी कैरेक्टर बना रहा हूँ मैं, और कैरेक्टर जो बना रहा हूँ उसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकता है, कुछ भी। अच्छा, वेरिएबल के अभी रूल्स बताऊँगा कुछ, लेकिन अभी आप कुछ भी नाम रख लें। मैं कैरेक्टर का नाम रख लेता हूँ अल्फा, अल्फा रख लेता हूँ, यानी अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ा। और यहाँ पर मैं कैरेक्टर दूंगा सिंगल कोटेड से, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सपोज करो एस मेरे नाम का वेरिएबल है तो मैं दे देता हूँ, और टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस, यानी इसको बता दे टर्मिनेटर, और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। यानी ये टर्मिनेटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, यानी ये टर्मिनेटर बताता है कि ये लाइन एंड हो गई है, स्टेटमेंट एंड हो गई है, अब आप दूसरे स्टेटमेंट जाओ। अब मैं एक फ्लोटिंग का एक बनाता हूँ डेटा टाइप, ठीक है, फ्लोट लिखा, यानी फ्लोट का अब मैं बना देता हूँ, फ्लोट का नाम दे देता हूँ मैं कोई सा भी डेसिमल नंबर, ठीक है। और मैं इसका नाम भी अच्छा रख देता हूँ, ताकि वेरिएबल का नाम हमेशा सूटेबल नाम हो, ताकि आप बाद में पहचान सको कि ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया था, उसके नाम से आपको याद रहे। तो नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डेसिमल, ठीक है। अच्छा, डेसिमल नंबर मैं दे देता हूँ कोई सा भी, जैसे कि 78 7 समथिंग, मैंने पॉइंट में कुछ भी वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब इसको बाद में प्रिंट कराने की, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या होता है, नंबर होता है, और ये जो नाम इसके आगे जो मैं लिखा है ये कहलाते हैं अल्फा, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल बता दूंगा कंटेनर, यानी किसी भी वैल्यू को कहीं पे स्टोर कराने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी एस को स्टोर कराना तो वो अल्फ़ा में स्टोर हो जाएगा, और वो किस बेस पर स्टोर होगा वो बताएगा कि ये कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ नंबर स्टोर कर दूँ और बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर है तो भाई नहीं जाएगा। जैसे कि सपोज करते हैं कि एक नमक है, नमक की बो नमक का कंटेनर है, और उसमें मैं चीनी डाल रहा हूँ, तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि मैं नमक का कंटेनर समझी जब मैं डालूँगा कहीं पे कोई चीज़ तो उसमें चीनी होगी, तो मुझे मतलब मेरा सामान ख़राब हो जाएगा, मेरा जो खाना बना रहा हूँ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हर बार ऐसी चीज़ रखनी पड़ती है कि यहाँ जो कैरेक्टर दिया उसी के लिहाज से हम वैल्यूज डालें। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर के अंदर पॉइंट में कोई वैल्यूज़ लिख दूँ तो ये डेसिमल हो जाएगा, तो इसको एरर दे देगा, बोलेगा भाई ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो जाहिर सी बात है वो एक इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू डेसिमल नहीं लेता, तो ये एरर दे देगा। तो ये आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आई होप ये क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट होता है आउटपुट, यानी हमें शो क्या कराना है, स्क्रीन पर क्या दिखाना है, तो मैं प्रिंट कराता हूँ इसको। अच्छा, प्रिंट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, देखिए ये भी एक फंक्शन है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। क्यों? मैंने कहा था यहाँ पर कि जब भी कर्ली ब्रेसेस लग जाए किसी भी चीज़ के साथ तो वो फंक्शन है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है हमारे पास जो भी हम डबल कोटेड में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। मैं यहाँ ले देता हूँ दिस इज अ नंबर, ठीक है, और मैंने स्पेस छोड़ के यहाँ लिख दिया परसेंटेज डी। अच्छा अभी परसेंटेज डी क्या होता है ये बताता हूँ, यहाँ नंबर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और उसको कॉपी कर दें जल्दी जल्दी से और पेस्ट करा दिस इज अ कैरेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कैरेक्टर, और यहाँ सी लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ एल का। अच्छा मैं अल्फा की स्पेलिंग ऊपर गलत लिखती बताया इन्हें आप लोगों ने, सॉरी। चलो ये हो गया, ओके फाइन, और यहाँ लिख देता हूँ फ्लोटिंग नंबर आ गया हमारा ये, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है जी। अभी क्या होगा सर, हो गए ये क्या? अच्छा परसेंटेज जी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ क्या होता है? मैं यहाँ पर इसको ऊपर डिफाइन कर देता हूँ पहले तो। अच्छा स्पेस जो दे रहा हूँ मैं, इंटर जो कर रहा हूँ स्पेस दे रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी ज़ात पर, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ एक कमेंट कर देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स, ताकि मैं बार बार ये डालना ना पड़े। फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको। अगर मैं परसेंटेज डी यूज़ कर रहा हूँ, डी यूज फॉर इंटीजर, ठीक है, परसेंटेज सी यूज फॉर कैरेक्टर, परसेंटेज एफ यूज फॉर फ्लोटिंग, ठीक है। मतलब अगर जहाँ मैं परसेंटेज जी लिखा है वो नंबर के लिए यूज़ होता है, यानी इंटीजर जो भी होगा, इंटीजर मैंने यहाँ पे क्या दिया था, इंटीजर के लिए डी यूज़ होता है, ठीक है। इंटीजर को प्रिंट करवाना हो हमें तो उसके लिए डी यूज़ होता है, अगर किसी कैरेक्टर को प्रिंट करवाना तो परसेंटेज सी यूज़ होता है, और किसी फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करवाना तो परसेंटेज एफ प्रिंट एफ यूज़ होता है हमारे पास। अब ये क्या होगा, मैं कहा दिस इज अ नंबर, ठीक है, और ये परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, नम क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, ये नम की वैल्यू यहाँ पर जो है 58 वो यहाँ पर आएगी। यानी बोल रहा हूँ कि मैं इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी, दिस इज अ नंबर परसेंटेज डी, परसेंटेज डी मतलब यहाँ पर नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ पर मौजूद है, तो नंबर पे क्या मौजूद है, इस वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है 58, तो 58 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अल्फा, अल्फा के अंदर क्या मौजूद है, अल्फा के अंदर मौजूद है एस, तो परसेंटेज सी की, परसेंटेज सी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसी तरह डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल के अंदर क्या स्टोर है, ये वैल्यू स्टोर है, तो ये वैल्यू स्टोर यहाँ पर हो जाएगी परसेंटेज एफ की जगह, क्योंकि बता रहा हूँ परसेंटेज एफ का क्या होता है कि यहाँ पर वो वैल्यू इस्तेमाल करो जो डेसिमल में, यानी जो भी इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। परसेंटेज सी का मतलब है जो भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद है वो उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फा, यहाँ सी क्यों यूज़ करा मैंने, क्योंकि कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर के लिए हम सी यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने डी क्यों यूज़ करा, क्योंकि इंटीजर था, तो परसेंटेज डी यूज़ करा मैंने। यहाँ मैंने एफ क्यों यूज़ करा, क्योंकि फ्लोट के अंदर था इसका डेटा टाइप, तो मैंने परसेंटेज एफ यूज़ करा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब हम इसको करेंगे कंपाइल और रन। देखिए अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा तो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कंपाइल के लिए, F9 दबाएं, नहीं कंपाइल हो जाएगा, ये आपको रन नहीं करेगा, नहीं आपको आउटपुट नहीं देगा, ये रन कर देगा लेकिन कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कंपाइल करके वो तो क्या गलती जो होगी तो बता देगा आपको, और रन करने से आपको डायरेक्ट एरर मिल जाएगा। कंपाइल अगर मैंने पहले करा तो मुझे पता लगा यहाँ पर मेरा एरर है, वो सही करने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा। और एक होता है दोनों का, कंपाइल भी करो और एफ क्या नाम है रन भी, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे जी सही रहता है, जो खुद बहुत कंपाइल भी करेगा और रन भी कर देगा। अब एक सामने स्क्रीन आएगी, स्क्रीन आने से पहले मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, गेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, गेट्स क्या करता है, ये स्क्रीन को रोके रखता है थोड़ी देर के लिए, जब तक मैंने बताया ना आपको कॉन्जू क्या करता है, एक कॉन्सोल में प्रिंट कराएगा, और उसके बाद ये एक मुझे प्रिंट गेट क्या करेगा, गेट करेगा हमारा कि जो ये स्क्रीन जो सामने आई है ये रुकी रहे थोड़ी देर तक, जब तक मैं चाहूँ। तो अब ज़रा चेक करते हैं इसको, ये कंपाइल सही हुआ बिल्कुल, प्रोग्राम ठीक लिखा मैंने, अब सामने स्क्रीन आनी चाहिए मेरी, थोड़ा वेट करते हैं, ये स्क्रीन आ गई, देखा। अच्छा एक काम करता हूँ, बहुत गंदा लग रहा है, मैं यहाँ परसेंटेज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैक स्लैश एन, ये बैक स्लैश एन क्या होता है भाई, बैक स्लैश एन का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैक स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, कि भाई इसका मतलब कि न्यू लाइन पे ले जाओ, यानी जहाँ पे जब देखें परसेंटेज डी में क्या आएगा, नंबर आएगा, कहाँ से आएगा नंबर, यहाँ यहाँ पर जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है ये स्टोर है, तो इसको यहाँ पर हम
नंबर आएगा, उसके बाद न्यू लाइन में चले जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू लाइन में आ जाएगा, और इसको भी कर देता हूँ न्यू लाइन। अब जरा चेक करते हैं दोबारा, इसको कंपाइल और रन करता हूँ मैं। अब देखें दिस इज़ द नंबर, नंबर क्या आया, इसको मूव करते हैं थोड़ा, मूव कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ लिखा मैं दिस इज़ अ नंबर परसेंटेज जी, परसेंटेज जी क्या था, परसेंटेज जी के तो यहाँ पे लिखा ही नहीं आया, तो वजह क्या है, हमने कहा परसेंटेज जी क्या जो नंबर है, नंबर के अंदर जो वैल्यू है हमारी वो प्रिंट हो जाए परसेंटेज डी की जगह, तो 58 है तो 58 आ गया। फिर बैक स्लैश एन से क्या होता है, न्यू लाइन, तो न्यू लाइन पे आ गया, न्यू लाइन के अंदर आ गया। अब लिखा दिस इज़ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, परसेंटेज सी, परसेंटेज सी क्या होता है, कैरेक्टर फॉर्मेट, फॉर्मेट स्पेसिफिक क्या होता है कि हमें कोई नंबर जहाँ पे प्रिंट करवाया उसको इस्तेमाल करने के लिए वो वैल्यू चाहिए होती है कि किस फॉर्मेट में है। तो बस इतनी सी चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। परसेंटेज एन क्या हुआ, फिर न्यू लाइन में आ गया, और परसेंटेज सी की जगह एस आ गया, क्यों, अल्फा में क्या पढ़ा हुआ था, अल्फा में वैल्यू स्टोर थी एस, तो एस आ गई। दिस इज अ फ्लोटिंग नंबर, परसेंटेज एफ, और डेसिमल में क्या हुआ, डेसिमल में जो वैल्यू स्टोर थी वो परसेंटेज एफ के अंदर आ गई। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारा फॉर्मेट स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, और परसेंटेज यानी बैक स्लैश एन का काम क्या होता है, परसेंटेज सी क्यों यूज़ करते हैं। अगर सपोज करते हैं इसको, देखिए मैं ये जब तक बैक स्लैश दबाया, अब ये कंटिन्यू का बोल रहे, तो ये अब हटेगा ये स्क्रीन से, अगर ये यूज़ नहीं करता मैं, अगर मैं ये यूज़ ना करूँ, सपोज करें मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देना, तो क्या होगा अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, बस ये आ रहा है, और इसी कोई बटन दबाऊंगा तो हट जाएगा फ़ौरन, और जब तक मैं दो दफ़ा बटन नहीं दबाऊंगा तब तक ये हटेगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता, अगर मैं इन सबको एक ही लाइन में लिखना चाहूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ अब यहाँ परसेंटेज डी आ गया, मैं लिखता हूँ परसेंटेज सी, फिर बैक स्लैश एन, परसेंटेज एफ, क्या करा मैंने, मैंने करा कि परसेंटेज डी आए, फिर परसेंटेज एन यानी न्यू लाइन के अंदर आ जाए, और न्यू लाइन के अंदर परसेंटेज सी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और नम की जगह मैं ले देता हूँ साथ अल्फा, और डैश सी मैं ले देता हूँ। अब क्या होगा ज़रा गौर से देखें, ये एक आखिरी चीज़ है, आपको समझ में आ गई तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ गया, समझो आपको आधा काम करना आ गया, क्या आपको आउटपुट किसा लेना है। परसेंटेज डी से क्या होता है, मैंने कहा परसेंटेज डी यहाँ पे नंबर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर न्यू लाइन में आएगा ये, मैं इसको उठा देता हूँ और इसको उठा देता हूँ, ये न्यू लाइन में आएगा, तो न्यू लाइन के बाद ये परसेंटेज सी में आएगा। परसेंटेज सी क्या है, परसेंटेज सी कैरेक्टर है, कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, तो कैरेक्टर यहाँ पे वैल्यू कहाँ कौन सी आएगी, ये दूसरे नंबर पे जो है अल्फा, ये पहले नंबर पे तो नम था, दूसरे नंबर पे अल्फा है, तो अल्फा में यानी ऐसा जाएगा, फिर दोबारा जाएगा बैक स्लैश एन चलेगा, न्यू लाइन पे आएगा, फिर क्या होगा, फिर बैक स्लैश एफ पे आएगा, जैसे ही एफ पे आएगा तो डेसिमल में ये कन्वर्ट होकर वीडियो, मतलब ये जो डेसिमल है ये नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं चेक कराता हूँ आपको ये, अच्छा मैं एफ के अगर आगे पॉइंट 2 पॉइंट लेते हूँ तो क्या होगा, ज़रा चेक कर दें, अच्छा भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या था, मैंने कहा दिस इज अ नंबर, अब दिस इज अ छोड़ते हैं, हम लोग खत्म करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ दिस हाउ टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अच्छा इसको कंपाइल करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा आप इसको, हाउ टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, पहले क्या 58 आया, क्यों, परसेंटेज डी था, फिर परसेंटेज एन का क्या मतलब न्यू लाइन में, अब देखिए न्यू लाइन के अंदर आ गया, फिर परसेंटेज सी का मतलब एस, एस क्यों आया, क्योंकि अल्फा के अंदर एस स्टोर था, अगर मैं यहाँ पर कोई और स्टोर करा दूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ डी को स्टोर, ठीक है, और अब मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अब डी आ जाएगा, क्योंकि अल्फा के अंदर अब डी स्टोर हो गया, तो डी हमारे पास परसेंटेज सी का डी आ गया। फिर यहाँ पर बैक स्लैश एन आया, बैक स्लैश एन ने क्या करा, न्यू लाइन पर आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद परसेंटेज पॉइंट टू एफ का मतलब क्या हुआ, पॉइंट टू एफ का मतलब हो गया पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिखना, यानी दो डिजिट लिखना, यहाँ 484 था, मैंने लिखा पॉइंट टू एफ, तो पॉइंट टू एफ से मतलब कि पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रहा है, यहाँ पर दो डिजिट आ रहा है, थर्ड डिजिट नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक काम करूँ, पॉइंट के बाद मैं वन लिख दूँ, यानी एक डिजिट चाहिए मुझे, और इसको चलाते हैं दोबारा, तो ज़रा गौर करें आप,
पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है। अब ये राउंड क्यों होंगी, थर्ड की बात है 4841 करके उसने राउंड कर दी वैल्यू, यही एक इसकी खासियत है, ये खुद ही कुछ काम परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने कहा लाइब्रेरी यूज़ हुई है, तो लाइब्रेरी में इस तरह के कोड्स प्रोग्राम लिखे हुए हैं कि आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी कभी। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं इसको नंबर चेंज कर दूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 70, ठीक है, और उसको मैं कैंसिल करके अब मैं चलाता हूँ तो 70 आ रहा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास नम के अंदर 70 स्टोर हो गया। तो याद रखना जो हमने यहाँ तरतीब से लिखे हैं ना, उसी को तरतीब में लिखना। अगर मैं यहाँ पर मैं अगर डेसिमल लिख दूँ, ठीक है, जबकि यहाँ पर सी लिखा हुआ और मैं डेसिमल यूज़ कर रहा हूँ, जबकि ये फ्लोट है, और यहाँ पर मैं अल्फा यूज़ कर लूँ, तो क्या होगा? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, देखें क्या हुआ, मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डेसिमल क्या है, एक फ्लोट है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ परसेंटेज सी, तो परसेंटेज सी यूज़ नहीं होता फ्लोटिंग के लिए, परसेंटेज सी यूज़ होता है, बल्कि एक परसेंटेज एफ यूज़ होता है फ्लोटिंग के लिए, तो उसने मुझे खाली छोड़ दिया। और इसी तरह अल्फा के अंदर क्या आया, 0.00 आ गया। क्यों? अल्फा क्या है, एक कैरेक्टर है, और मैंने यहाँ यूज़ करा है एफ यानी फ्लोटिंग, तो कैरेक्टर के लिए तो हम सी यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसने मुझे इस तरह की गलत सी वैल्यू उठा कर दे दी। तो अब आपको समझ में आएगा कि फॉर्मेट स्पेसिफाई क्यों ज़रूरी है और किस वक्त कहाँ यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने देख लिया इस वीडियो के अंदर कि लाइब्रेरीज क्या होती है, प्री प्रोसेसर कमांड क्या होते हैं, लाइब्रेरी किस तरह इस्तेमाल होती है, फंक्शन क्या होते हैं, कमेंट किस तरह होता है, डेटा टाइप किस तरह की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, डेटा टाइप के बाद हम डिफाइन किस तरह करते हैं किसी वेरिएबल को, ठीक है, वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीके बता दिए तीनों तरीके से किस तरह डिफाइन होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ देखा, अच्छे तरीके से यूज़ देखा, डीपली यूज़ देखा कि किस तरह इस्तेमाल होता है। एक लाइन में भी यूज़ करके दिखा दिया, एक नेक्स्ट लाइन में भी यूज़ करके दिखा दिया, मैंने बैक स्लैश एन का मतलब भी बता दिया, बैक स्लैश एन क्या होता है, हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर यानी न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और गेट्स का मतलब बता दिया कि हमें बताएगा कि जब तक आप क्लिक या कोई बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये विंडो से हटेगा नहीं, तो यानी गेट विंडो कर लेता है, आपको इतना बताने की जरूरत है। अगर मैं ये देखें कर्ली ब्रेसेस के अंदर है सारा काम, मैंने कहा था ना ये पूरा घर है हमारा, ये पूरा घर है हमारा, इस घर के अंदर हमें गेट लाना, तो गेट लाने के लिए शुरू में जो मैंने बताया आपको इंट मैन ये फंक्शन लिखना ज़रूरी है। अगर इसके हटा कर मैं सब कुछ काम करूँ तो ये फंक्शन चलना ही बिगाड़ मतलब बेकार होएगा, नहीं चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको सीख के और भी क्या नाम है यूजेस बताऊंगा किस तरह इस्तेमाल होता है। हम इसको बिगनर से एडवांस तक लेके जाएंगे, इसको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। इस तरह मैं पाइथन को लेके चल रहा हूँ, पाइथन को मैं बिगनर से एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पाइथन प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको मालूम रहे कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।